आशीष है, मैं कॉर्डियली पब्लिकेशन से बोल रहा था। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, तो हमारे जब भी वीडियो आएंगे तो आपको हमेशा अपडेट मिलता रहेगा आपके यूट्यूब में और ईमेल पे भी। तो आज हम बात कर अभी आपको शादी आपको मालूम करने का कि आपकी शादी कब है। तो आप भी सब इसको लड़का है तो राइट हैंड के इस बाजू का फोटो, लड़की है तो इस बाजू का उल्टे हाथ का इधर का फोटो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज सकते हैं। हाँ, इन्फो नीचे मेरा ईमेल आईडी पे लिखा हुआ है, उस पर आप भेज सकते हैं। हाँ, वो चार्जेबल है, दिस नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको मालूम करने का तो भेज सकते हैं। तो अभी मैं आज बात करने वाला हूँ कि यार किस उम्र में आदमी ने शादी करना चाहिए, बच्चा उन्हें बॉय गर्ल ने किस उम्र में सबसे अच्छा रहता है। जनरली ऐसे देखेंगे तो सबसे अच्छी उम्र 24 के आसपास देखेंगे, 22-24 के आसपास रहती है। तो उस केस में आप शादी करते तो आपके प्लस पॉइंट क्या क्या आएंगे, जल्दी शादी करते तो आपके प्लस पॉइंट क्या क्या। जैसे एग्जांपल लीजिए कि यार जो भी लड़का लड़की शादी करते तो वो बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं, या फिर जो गर्ल भी होगी वो फैमिली लाइफ में जल्दी सेट हो जाती है, क्योंकि वो मैच्योर नहीं होती, कच्चा घा जैसे होती है, कच्चा मटका रहता है, तो वो जैसे आप उसको कन्वर्ट करेंगे वैसा वो शिफ्ट हो जाती है। तो उसका एडजस्टमेंट करने की आदत बहुत अच्छी रहती है गर्ल्स की, 20-22 से 21 से 24 के आसपास करेंगे तो उनकी उम्र के हिसाब से वो एडजस्ट बहुत अच्छा कर लेती है। जैसे जैसे 27 से 30 की हो जाती है तो थोड़ी रिजिड हो जाती है, या फिर बहुत मैच्योर हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा समझदार भी हो जाती है, तो उनका रेजिस्टेंस के चांस भी ज़्यादा होते हैं, वो रजिस्टर करती है या फिर थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लेती है, ऐसा नहीं ऐसा क्यों ऐसा ऐसा, जिससे कुछ ना कुछ उनका लफड़ा होता रहता है, हर के कुछ ना कुछ लफड़े होते रहते हैं, तो वो उन्हीं की याद में खो भी रहते हैं। तो वो भी एक रीज़न हैगा कि उनसे या तो बहुत लंबे टाइम तक उनका कुछ ना कुछ अफेयर चलता रहता है, वो क्लियर नहीं होता है, तो वो वेट करते रहते हैं जनरली 27-28 तक, 4-5 साल वेट करते हैं, बहुत ज़्यादा हुआ तो 5-6 साल वेट करते हैं, उसके बाद भी शादी नहीं होती, तो फिर वो दूसरी जगह ट्राई करते, तो वो अफेयर वगैरह होते हैं, उनका आधा मन तो उस आदमी के पीछे लगा रहता है, या तो वो अपने को लाइक नहीं करते, जनरली बॉयज़ को लाइक नहीं करते हैं, तो उसमें वो क्लेशेस बना रहता है, आधा मन उनका इधर आधा उधर रहता है, तो इसलिए भी अच्छा नहीं रहता। दूसरा कुछ ना दूसरा एक रीज़न भी है कि कोई भी गर्ल की शादी देरी से हो रही है, कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न होता है ना, कुछ हाँ वो यानी कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ उसका जनरल में देखेंगे तो रीज़न होता है, तो वो अपने को मालूम नहीं चलता, अपन कर लेते हैं और फिर बाद में मालूम चलता कि तकलीफ हो गई अपने को। तो गर्ल्स को 21 से अपने बॉय लोगों ने 21 से 24 के आसपास की गर्ल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसका एक और फ़ायदा होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, यानी सपोज को किसने 30-35 में शादी की, बॉयज़ का तो कुछ पंगा नहीं होता, लेकिन गर्ल्स के इसमें प्रॉब्लम बच्चों वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है, मेरा पास वगैरह हो जाता है, तो फिर उनको 35 के बाद तो तकलीफ चालू हो जाती है, उनको मैंने पास हो गया तो बच्चा नहीं हो पाएगा। जैसा अभी उस एज में ज़्यादा उम्र में उन्होंने बच्चा भी पैदा किया तो फिर बच्चे की हेल्थ की कोई गारंटी नहीं देगी, बच्चा अच्छा पैदा होगा ख़राब पैदा होगा, डॉक्टर खुद एडवाइस करेंगे कि यार बच्चा नहीं हो, यानी बच्चा नहीं पैदा करते तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो उस केस में वो पैदा हो गया तो कभी आँख नाक कुछ दिमाग कम, हाथ पैर कम, दूल्हा लंगड़ा दिमाग नहीं है, ऐसा अपंग पैदा होगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए अधिकतर तो लोगों ने यंग टाइम में ही शादी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका एक 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 नेगेटिव वे में पॉजिटिव वे नेगेटिव साइड से भी देखेंगे। सब उसको आपने यंग टाइम में शादी कर ली, सब उसको आपको पटी नहीं पटी शादी, आपको बाय चांस भगवान नहीं करे आपका डिवोर्स हो गया तो आपके पास सेकंड चांस भी रहता, थर्ड चांस भी रहता, तो आपने यंग टाइम में शादी कर ली तो आपके यंग टाइम में अभी आपने 30-35 में शादी करेंगे, 2-4 साल अपनी बाएंगे नहीं जमेगा, 4-5 साल डिवोर्स में निकल जाएंगे, 40 के हो जाएंगे, फिर दूसरी शादी करने जाएंगे तो आपको तकलीफ होगी, तो आप यंग टाइम में शादी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप सब उसको भगवान नहीं करे आपका डिवोर्स हो, लेकिन डिवोर्स होने के बाद सब उसको आपका सेटल हो जाएगा, वो भी जल्दी छुटका जाएगी, आप भी छुटका जाएंगे, तो आपको
27-28 में आपका सपोज को सेटलमेंट हो जाता है, तो आपको दूसरी शादी आप कर सकते हैं, या 30 तक भी हो गया तो दूसरी शादी कर सकते हैं। तो एक प्लस पॉइंट ये भी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।